हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, एक टाइप का प्रॉब्लम जो है काफ़ी बार आपके सवालों में देखा जाता है। इवन आपका अगर PYQ में भी देखिए, नीट बोलो या फिर JEE बोलो, उसमें काफ़ी बार आ चुका है। जैसे एक रस्सी होता है, उसमें एक आदमी क्लाइम कर रहा है या फिर कोई मंकी जो है वो क्लाइम कर रहा है, तो कितना एक्सीलरेशन से जाएगा, कितना नीचे एक्सीलरेशन से आएगा, या फिर आपका वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी आपको साथ में दिया जाता है। तो उस सिचुएशन पर ऐसा टाइप का सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना जरूरी है कि ये क्लाइंबिंग वाला प्रॉब्लम में क्या पूछता है, क्या बोलता क्या है, ये क्लाइंबिंग वाला कॉन्सेप्ट असलियत में है क्या। तो पहली बात है, आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंबिंग और स्लाइडिंग डाउन है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास एक रोप है और एक बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें कितना एक्सीलरेशन से जाएगा या फिर नीचे आएगा तो कितना एक्सीलरेशन से है उसके कहानी बनता है। जब भी आप सोचिए, कोई भी एक रस्सी है, बंदे को ऊपर जाना होता है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, उस रस्सी में नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। उस स्ट्रिंग में क्या करेगा, रोप में क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग क्या करता है, उस बच्चे को या फिर उस मंकी को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसका नाम है टेंशन। और वही टेंशन की वजह से वो अपना वेट को या फिर जो भी अपना MG है, उस MG को अगर ओवरकम कर लेता है तो ऊपर का ऊपर की तरफ जाता है। अगर वो MG से ओवरकम नहीं करता है तो नीचे आता है, स्लाइड डाउन होता है कि नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट आपके हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका मास मान लेते हैं M मास है, ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मास M है सोचो। अब इस मास अगर m है तो इसका ऑब्वियस बात है नीचे आपको ग्रेविटी लगेगा। जब ये नीचे की तरफ स्ट्रिंग में फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग उसको ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगा देगा, बिल्कुल बात सच है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे बात करें, तो इस छोटे बच्चे का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो उसमें देखिए MG नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। अगर वो एक्सीलरेट कर रहा है तो A के डायरेक्शन पे, अगर वो एक्सीलरेट कर रहा है नीचे की तरफ तो यहाँ पे A नीचे की तरफ होगा। तो न्यूटन्स के लॉ के मुताबिक हम लोग क्या जानते हैं, अगर बॉडी कोई भी बॉडी ऊपर जाता है, जिस डायरेक्शन पे जाता है, जिस डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन होता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो क्लाइम्स अप हो रहा है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं क्लाइम्स अप, तो उस कंडीशन पे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे नेट फोर्स जो है T-MG इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर स्लाइड डाउन होता है, स्लाइड्स डाउन ऐसा सिचुएशन आएगा, तो उस कंडीशन पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे MG का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा टेंशन से मास इनटू एक्सीलरेशन, बिल्कुल बात साझ है। दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ कि चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, एक्सीलरेशन नहीं है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्योंकि अगर मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज जीरो, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर जीरो होता है बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कहानी है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला कहानी बनती। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखिए कंडीशंस, पहला पे के कंडीशंस को देखते हैं। नाउ थ्री कंडीशंस अराइजेस, इस कंडीशन पे तीन कंडीशन अराइज होता है। इफ टी इज ग्रेटर देन MG देन मैन एक्सीलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल बात सच है, अभी अभी बोला। इफ टी इज लेस देन MG देन मैन एक्सीलरेट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टी इक्वल टू MG देन मैन एक्सीलरेट्स इन जीरो, इसका वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, टी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, बात समझ में आ गया। इधर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग ऑन द रूप मैन एग्जर्ट फोर्स डाउनवर्ड, मैन हमेशा फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगा नीचे की तरफ। इस रूप ये मान लो ये मैन है, यहाँ पे अपना रस्सी है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये MG वाला नहीं है, खींचेगा तो ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, नीचे खींचना पड़ेगा, नीचे खींचेगा तभी तो ये स्ट्रिंग उसको ऊपर के डायरेक्शन पे लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये उसका MG वेट है, तो उसके हिसाब से कहानी बनती है, बात समझ में आ रहा है। सवाल भी है, मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये चीज़ दिमाग में रखना, अगर टेंशन इज ग्रेटर देन MG देन आदमी ऊपर जाएगा, MG इज ग्रेटर देन टेंशन दोनों आदमी नीचे आएगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वो ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन पे जा सकता है, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बात सच है। अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देख लेते हैं, है कि नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इतना, मतलब आपको ये जो टेंशन है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग लगाया हुआ है, मान लो ये स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 600 न्यूटन, इसका मतलब आपको यहाँ पे 60 किलो अगर यहाँ पे लगाते हो तो उतना तक ये झेल पाता है, उससे ज़्यादा वो झेल नहीं पाएगा। मतलब 60 किलो के ऊपर अगर 60.0001 केजी देते तो टूट जाता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे लग सकता है इन द स्ट्रिंग, मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 600 न्यूटन हो सकता है। तो 600 न्यूटन अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। तो आप बोल सकते हो ये टी जो है वो मैक्सिमम हो गया, टी मैक्सिमम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 600 न्यूटन बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सच बात है, अच्छा लगा सर। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द मैन विथ व्हिच ही कैन क्लाइम्स अप द स्ट्रिंग, इस आदमी कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, आदमी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो आदमी पे ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, टेंशन टी लगेगा। मास जो है इसका 50 है तो ऊपर लगेगा आपका 50, मतलब साथ में और जीरो लगा दो क्योंकि 500 हो जाएगा और ये आपका 600 हो गया, बिल्कुल बात साच है। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि टी इज ग्रेटर देन एम जी बच्चों, अगर टी इज ग्रेटर देन एम जी है तो वो एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे टी माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फटाक से लिखिए 600 माइनस 500 एंड इक्वल टू 50। तो यहाँ पे बोल सकते 50 इंटू एक्सेलरेशन, सो ए का जो वैल्यू हो रहा है बच्चों यहाँ से क्या ए का वैल्यू निकलेगा, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्वियस बात है। तो ये ऐसा सिचुएशन आपको बनता है, बात समझ में आ रहा है क्या, ऐसा बंदर वाला भी सवाल आपको बन सकता है यहाँ पे, बंदर एक बंदर है जैसे, एक एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा ये सवाल को देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, बढ़िया तरीके से देखते हैं। ए 12 kg monkey climbs a light rope is shown in figure, यहाँ पे दिया हुआ है रोप passes over a pulley is attached, इतना दिया हुआ है आपको बंच ऑफ बनाना, यहाँ पे बनाना जो है ये वाला बंच ऑफ बनाना है 16 kg का है, बिल्कुल सच बात है। मास एंड द फ्रिक्शन ऑफ द पुली इज नेग्लिजिबल, सो दैट ये जो भी है रिवर्स करने के लिए इस डायरेक्शन, ये जो पुली रखा हुआ है इसका मास वो सब कुछ जीरो है, लेकिन ये फोर्स को सिर्फ रिवर्स करने के लिए इसका जरूरत है। वट इज़ द मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनाना, बात यहाँ पे है ये मंकी का जो वेट है वो कितना है, मतलब मास है जो वो 12 kg है, इसका मास है 16 kg, बिल्कुल बात सच है। अब यहाँ पे देखिए बंदर जो है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस बात है, और बंदर को ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो अगर दोनों आदमी का इधर, मतलब बंदर का और बनाना आदमी नहीं है, सो फ्रीवर्ड डायग्राम बनाया जाए तो ये बन जाएगा आपका 120। बंदर कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, बिल्कुल सच बात है। अब बंदर तो मतलब जब भी बनाना देखता है बंदर अपना संतुलन को खो बैठता है, तो ऑब्वियसली खो बैठ गया ऐसा, अगर इसको ऊपर चढ़ने का क्या जरूरत था, सीधा क्या कर ले वो इधर जंप करके खा ले बस, लेकिन चलो ठीक है बंदर को भी फिजिक्स पढ़ना है तो ये फिजिक्स पढ़ रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब हुआ क्या है यहाँ पे, बोला एक चीज़ बढ़िया तरीके से देखिए, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनाना, बनाना यहाँ पे टच में होना चाहिए, अगर बनाना का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो क्या हो सकता है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, बिल्कुल सच है, यहाँ पे आपको 160 लग रहा है और साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अगर मैं कंडीशन वो लेता हूँ जस्ट लिफ्ट वाला कंडीशन, जस्ट लिफ्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन होगा वही तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, विदाउट लिफ्टिंग वाला मैक्सिमम कितना लगा सकता है, तो आप बोल सकते हैं अगर ये जस्ट लिफ्ट हो रहा है, जस्ट लिफ्ट होगा तो एन का वैल्यू ऑब्वियस बात है जीरो हो जाएगा, क्या बात है, एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, अगर एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम बोल सकते हैं टी इक्वल टू 160 न्यूटन बच्चों, बिल्कुल सच है, एन का वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन, जस्ट जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाती है तो उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इस इक्वेशन पे हमने नॉर्मल का वैल्यू जीरो लिया तो टी इक्वल टू 160 हो गया। दैट मीन्स टी मैक्सिमम टी यहाँ पे कितना लगा सकते हो विदाउट लिफ्टिंग द बनाना कितना होगा 160, तो अब यहाँ पे लगा दो, ये 160 तो बोल चुका है कि 160 यहाँ पे लगाना है, सो अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो टी माइनस 120 इक्वल टू 12 इंटू एक्सीलरेशन, सो टी इक्वल टू 160 माइनस 120, सो 12 इंटू एक ए, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये ए है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हो एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है वो 10 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स आप बोल सकते हो ए इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सच है भाई, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आता है सर, ज्यादा कुछ खास नहीं बनता है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जितना भी क्लाइंबिंग वाला प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा स्ट्रिंग में फोर्स हम नीचे की तरफ लगाते हैं और स्ट्रिंग हमें ऊपर की तरफ लगाता है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, एम जी लगाइए, टी लगाइए, एक्सीलरेशन है तो ऊपर के डायरेक्शन पे तो टी माइनस एम जी, एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन पे एम जी माइनस टी, बस इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन करिए, या फिर अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उस सिचुएशन पे आपको टी इक्वल टू एम जी लगा दीजिए, खेल खत्म भाई। समझ में आया कि नहीं आया, तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और नीचे कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।